हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीट रेजिस्टेंस पेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर हमने इस इंजन का पेंटिंग किया था एरोसोल स्प्रे कैन के हेल्प से। आफ्टर वन ईयर अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है आपका इंजन वो सही है, थोड़ा सा यहाँ पर इशू आया है फिर से, बट फिर भी अच्छे कंडीशन में है। और जो हमने फ्रेम को जो पेंट किया था यहाँ पे आप देखेंगे वो एकदम सही है, उसमें फिर से कोई रस्टिंग नहीं आया है वन ईयर में। बट जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप जनरल पेंट को यूज कर सकते हैं साइलेंसर पे अगर अच्छे क्वालिटी का रहा तब, लेकिन वो 6 मंथ वन ईयर के बाद फिर से वो इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है, जो आपका साइलेंसर है खासकर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसमें टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। मैंने लास्ट ईयर अच्छे क्वालिटी का एरोसोल स्प्रे कैन यूज़ किया था, तब जाके ये साइलेंसर अराउंड वन ईयर के आसपास ये वर्क किया है। बट अगर आप चीप क्वालिटी यूज़ करते हैं पेंट तो वो मोर देन 1 मंथ नहीं रहने वाला है, वो आपका डिग्रेड कर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। अब ये जो साइलेंसर मफलर है आपका, इस पे पेंट करना सिर्फ इसके ब्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस पे पेंट नहीं रहेगा तो ये धीरे धीरे रस्टिंग होकर के क्रोडेड होकर के यहाँ पे होल्स आ जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है ये, और उसके बाद बहुत गंदा साउंड आता है। और प्रॉब्लम यह है कि आप साइलेंसर अगर चेंज भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसका प्राइस, 5000-6000 ऐसा रहता है इसका प्राइस। और अगर वो न्यू साइलेंसर भी अगर आप 1 ईयर 2 ईयर यूज़ करते हैं तो उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आएगा, यहाँ से पेंट निकल जाता है। तो इस पर पेंट करके इसे प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रस्टिंग होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये स्पॉयल हो जाएगा। तो इस तरह का एरिया जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हीट रेजिस्टेंस पेंट। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बट उस समय अवेलेबल नहीं था तो मैंने जनरल पेंट का यूज़ किया था, बट फिर भी ठीक है, चलो वन ईयर काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसको लॉन्ग लास्टिंग आपको बनाना है 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो हीट रेजिस्टेंस पेंट का आप यूज़ कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा रस्टेड है ये, और अगर इसमें आप कुछ कोटिंग नहीं करेंगे, कुछ पेंटिंग नहीं करेंगे, तो ये रस्ट आपके साइलेंसर को पूरा स्पॉइल कर देगा और इसमें होल्स आने लगेगा जिसमें कि स्मोक आएगा, साउंड आएगा, मतलब आपको कंप्लीट असेंबली ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसके पहले कि ये स्पॉइल हो, इसमें पेंट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी हीट रेसिस्टेंट पेंट से, ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो ये। तो पेंट को अप्लाई करने के पहले आप सिंपली इस जो रस्ट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था क्लीन। आप बिना इसे रिमूव किए भी यहीं पे क्लीन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। बट सपोज़ अगर आप इस कंप्लीट मफलर को बाहर निकाल करके अगर पेंट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली 2 नट को रिमूव कर लेना है, ये एक बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ भी एक नट है, इसे भी आप रिमूव कर लीजिए। कभी कभी ये टाइट रहता है, आपको रिमूव करने में प्रॉब्लम होगा तो उस समय आप पेनिट्रेटिंग स्प्रे का यूज़ कीजिए, तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये भी बाहर आ गया। उसके बाद ये जो प्लेट है इसे हम लोग हटा लेंगे, ये आ गया बाहर। ये प्लेट आ गया बाहर। उसके बाद फाइनली इस बड़े बोल्ट को हम लोग ओपन कर लेंगे। इस बोल्ट को हम लोग जैसे ही बाहर निकालेंगे, ये आपका कंप्लीट साइलेंसर आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए आपका ये कंप्लीट साइलेंसर बाहर आ गया। और देखिए जो मैक्सिमम रस्टिंग है वो इसी एरिया में है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा हीट होता है। देखिए कैसे धीरे धीरे स्पॉइल हो रहा है, अगर इस पर पेंटिंग नहीं रहेगा तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा। तो पहले इसे क्लीन कर लीजिए आप सैंड पेपर से, और उसके बाद इसमें पेंटिंग करेंगे हम लोग। तो मैंने रस्ट को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और जो सबसे ज़्यादा रस्टिंग है वो आपको फ्रंट पोर्शन में ही मिलेगा,
क्योंकि वहीं पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सही है यहाँ पे एरिया, उतना ज़्यादा रस्टिंग नहीं था यहाँ पे। तो जहाँ पे रस्टिंग नहीं था उस एरिया को मैंने टच नहीं किया है, बस उसे रफ कर दिया है मैंने पेंट को, ताकि न्यू लेयर ऑफ पेंट इसमें होल्ड कर सके। और अब हम लोग इस पे पेंट करेंगे अच्छे से। दोस्तों मैंने इस पे 3 लेयर्स अप्लाई कर दिया है ओवरऑल एट अ इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स ईच, और ये अब बहुत अच्छा दिख रहा है, मैट ब्लैक फिनिश है इसका और बहुत खूबसूरत दिख रहा है, एज़ गुड एज़ न्यू दिख रहा है ये। और आफ्टर 3 कोट ये जो कैन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा इसमें होगा और। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप अपने रस्टेड साइलेंसर मफलर को पेंट कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्ट से, और बहुत इजी है ये। आप चाहें तो इसे बाइक में ही प्रोटेक्ट करके आप मास्किंग टेप का यूज़ करके उसमें पेंट कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से बाहर निकाल करके पेंट कर सकते हैं। जनरल पेंट अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो उतना लास्टिंग नहीं होता है, बट ये जो हीट रेजिस्टेंस पेंट होता है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा लास्ट करता है। और आपको अच्छे क्वालिटी का पेंट यूज़ करना है, अगर आप लोकल चीप क्वालिटी का पेंट यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साइलेंसर मफलर में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा रस्टिंग का, तो आप खुद से उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वो जो बेल आइकॉन है साइड में उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ का मिलता रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।